फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सोलापुर को आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। सो चाय जो पी रहा हूँ इसके बहुत ही फायदे हैं। अभी हम पहुंचे हैं पंढरपुर। हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सोलापुर को आए हैं, जो कि काका को मिलने आए थे। काका और काकू को ये आशा हो रही आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि ये प्रियंका है, हमारे व्लॉग में आपको देखने के लिए मिली थी। और आने के बाद सब कुछ मिल गया है और खा लिया। ये जो चिक्की है अभी मैं खा रहा हूँ। और उसके बाद हम निकल गए जो कि पंढरपुर को। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं चाय जो पी रहा हूँ इसके बहुत ही फायदे हैं। तो इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मैं चाय पी रहा हूँ ये चाय बहुत ही अमेजिंग है। और इसके फायदे जो देख पाएंगे आप, जानेंगे, तो बहुत ही सर चकरा जाएगा, या फिर बहुत ही आपका मन करेगा कि ये चाय मैं हर रोज़ पीऊँ और घर में ला के इसे सभी हर रोज चाय पीऊँ। तो इसके फायदे यहाँ पर देख लीजिए, जो कि आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एसिडिटी बहुत नहीं, मतलब कि एसिडिटी आपको नहीं होगी, थकवा नहीं होगा, पाचन क्रिया आपकी सुधारेगी और रक्त शुद्ध होते हैं और पोटाचा बऱ्याच समस्या दूर होता। म्हणजे तुम्हाला मराठीत वाचून दाखवतो, शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात आणि बॉडी डिटॉक्स होते, म्हणजे चांगली बॉडी मेंटेन राहते आपली, घशातील खरखर दूर होते आणि फुफ्फुसांचा संसर्ग दूर होतो, शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवतो, मेटाबॉलिझम सुधारते आणि रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित राहते। म्हणजे ही अशी कुठली चहा आहे की या चहामध्ये एवढं सगळं सामावलेलं आहे की तर आज आपण मामांशी थोडीशी चर्चा करूया की त्यांनी काय काय टाकतात आणि काय काय नाही, हे थोडंसं माहिती घेऊया त्यांच्याबद्दल। म्हणजे ते काय सांगतात, कशा प्रकारे चहा बनवतात, कशा प्रकारे लोकांना देतात, आणि या पंढरपुरामध्ये हा गुळाचा चहा इतका फेमस आहे, बरेच लोक पितात आल्यानंतर आणि बऱ्याचशा लोकांना आवडतंही, आणि तसंच शरीर देखील मेंटेन राहण्यासाठी उपयुक्त आहे। तर विचारूया मामांना। तर बोल, तसेच मी आत्ता एक चहा पिलेला आहे, तरी मला योग्य चांगलं वाटले आणि घशामध्ये खरखर करत होता, ते खरखर करणं थांबल्यामुळं मी अजून एक चहा मामाशी शेअर केलेला आहे। तरी मामा गुळाची चहा मला बनवून देत आहेत आणि मी ते चहा पिणार आहे आता। आणि मामाचं पण तुम्ही मामांचे पण विचार आपण ऐकून घेऊ शकता, म्हणजे त्यांनी काय सांगतात। हे आहे गुळाची चहा। तर पप्पा अजून एक गुळाची चहा घेत आहेत। तर मामा, हे चहा कशा प्रकारे तुम्ही बनवता आणि याचे फायदे किंवा नुकसान, म्हणजे खरंच काय याचे फायदे आहेत का किंवा नुकसान आहेत, तुम्ही सांगू शकता का थोडं? तुमचं नाव सांगा पहिल्यांदा। ओके, बरं। तर तुम्ही ही चहा कशा प्रकारे बनवता? म्हणजे नागपूर आहे, नागपूरची कंपनी चहा। बरं, स्वतःला अनुभव आला, शुगर कमी झाले स्वतःची। या गुळाच्या चहामुळे? चहामध्ये तुम्ही काय काय टाकता नेमकं? गुळ आणि चहा पावडर, ते कंपनीचं। आणि आम्हाला जे घरी वापरायसाठी, जे घरी किंवा आम्हाला घरी वगैरे प्यायचे असते बऱ्याच लोकांना, तर घरी कशा प्रकारे पिऊ शकतो आम्ही ही चहा करून? कंपनीला मागून। बरं बरं, कंपनी करून। तर अशा प्रकारे आपण ह्या चहा आपण घरी बनवून घेऊ शकतो, जे की तुम्हाला कळालेलंच आहे। तर मी हिंदी आणि मराठीतून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर मी कुठली भाषा निवडावी, कुठली भाषा न निवडावी, कुठला भाषेत तुम्हाला ब्लॉग्स पसंद आहेत, तर कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगायला विसरू नका। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की एंडपर्यंत बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, अशाच नवनवीन व्हिडिओ आपल्याला मिळत राहतील। तर चला आता पुढे वळूया, म्हणजेच पंढरपुराकडे जाऊया। हॅलो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे पंढरपूर, पंढरपूर के इस चंद्रभागा स्थान पर, जो कि अभी चंद्रभागा स्थान में थोड़ा सा पाए हाथ पाव वगैरह धोने के बाद दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि सुबह हमारा मेन दर्शन होगा। शाम को थोड़ा सा, मतलब शाम हो चुका है इसलिए
नॉर्मल दर्शन है अभी, हाथ पाए वगैरह धो के। सो मेन जो दर्शन होने वाला है वो कल सुबह ही होने वाला है। सो कल सुबह हम स्नान वगैरह करके जाने वाले हैं दर्शन करने। सो मोबाइल तो अंदर अलाउड नहीं है, सो इसलिए जितना हो सके मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश करूँगा अंदर की बात। कोरोना की परिस्थिति है तो इसलिए मोबाइल अंदर अलाउड होगा तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। सो अभी मैं चंद्रमा का स्थान पर आया हूँ, जो कि अंधार की वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो क्लियरिटी भी मेरी कम हो चुकी होगी अंधार की वजह से ही। सो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ना इसलिए। सो अभी ये देखिए चंद्रभागा का स्थान, जो कि मैं इस पायरे से चल के आया हूँ, ये आई है। सो ये दादी पप्पा दीदी सो यहाँ पे जा रहे हैं सभी पाव हाथ पाए धोने, जो कि वहाँ पे बोट वगैरह भी है। सो बोट में भी बैठने वाले हैं और सैर करने वाले हैं, जो कि वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होगी अंधेरा है तो इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बोट वगैरह वहाँ पे बैठने वाले हैं, वहाँ पे तस्वीर वगैरह निकालते हैं। सो उसके बाद आपको सभी कुछ दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हाथ पाँव वगैरह धो के सो लॉज में रुकते हैं। सो कल सुबह का हमारा दर्शन होगा, कल सुबह के ब्लॉग में मिलते हैं। सो तब तक के लिए देखते रहिएगा, लाइक कीजिए शेयर कीजिए। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी जो रूम पर से हम जा रहे हैं, जो कि चंद्रभागा, जो कि स्नान करने जा रहे हैं, जो कि आपको सभी कुछ दिखाने वाला हो, आपको भी कुंडली और जानुदेव और सत्यवती का दर्शन मैं जरूर करवाने वाला हूँ। मतलब उनके माता पिता है वो, अगर आपको नहीं मालूम है तो वो माता पिता है उनके, तो कुंडली का माता पिता है उनका दर्शन और श्री विठल का दर्शन और रुक्मिणी का दर्शन हम करने वाले हैं आज। तो जितना हो सके मैं उतना आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन चंद्रभागा का दर्शन करेंगे और सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद चंद्रभागा पर जाएंगे। सो अभी अभी रूम पर से आ रहे हैं, जो कि इधर रूम में बहुत ही बढ़िया जगह है, दीदी वगैरह फोटो वगैरह निकाल रहे हैं अभी। सो ये देखिए फिल्म में देखी हुई लाइटिंग आपको देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। सो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिए ये लाइटिंग और ये बगीचा, सो बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे शूटिंग वगैरह के लिए बनाया गया है, जो कि अच्छा है। और यहाँ का भगवान यहाँ का अलग है थोड़ा सा। सो बहुत ही बढ़िया है ये पार्किंग अवस्था है और ये गाड़ी लगाने की जगह। आरती हो रही है अभी इसी वक्त, घंटा बज रहा है देखो। सो बढ़िया कैमरे की क्वालिटी कैसे आ रही है, अभी सुबह का वक्त है, सुबह के 7 बज रहे हैं अभी। तो चलिए हम चंद्रभागा पर जाते हैं। सो स्नान वगैरह करते हैं, सो करने के बाद सभी कुछ दिखाने वाला हूँ आपको, तो एंड तक देखते रहिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते आगे। हेलो फ्रेंड्स, हम आए चंद्रभागा, जो कि दादी भी मेरे साथ है, क्योंकि बैग उठाना पड़ रहा है उन्हें और मुझे भी। अब चल रहे हैं वहाँ पे स्नान वगैरह करना है, अच्छा पानी देख है, पानी अगर अच्छा होगा थोड़ा साफ सुथरा होगा वही स्नान करने के। वो तो सही है दादी, लेकिन कई बार क्या होता है वो पानी वगैरह नहीं होता है या फिर ख़राब होता है, तो इसलिए देख के स्नान वगैरह करना पड़ता है। तो सभी कुछ करने वाले, सो वो सब करने के बाद दर्शन को जाने वाले चंद्रभागा का कुंडलीक और उसके माता पिता का दर्शन भी करेंगे और स्नान वगैरह करने के बाद आपको सभी कुछ दर्शन वगैरह करवाने वाला हूँ। वहाँ से ही घर बैठे आप दर्शन करिएगा। सो अभी सुबह का माहौल है, जो कि ये देख पा रहे हो कि सनसेट अभी निकला हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया दिख रहा है अभी इसी वक्त, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये देखिए वहाँ पे कुंडलीक और उसके माता पिता का वो जो तीर्थ स्थान है वो दर्शन वहाँ पे लेते हैं। सो उनके वहाँ पे समाधि वगैरह है, देख रहे हैं हम अभी स्नान वगैरह करने के लिए कहाँ करते हैं। तो देखने के बाद सभी कुछ स्नान वगैरह करने के बाद चलते हैं, तो चलते आगे बढ़ते हैं।
कपड़े वगैरह धोने के लिए, वहाँ पे आंघोल करने के लिए, स्नान करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। सो उस तीर पर जाने वाले वहाँ पे, सो देख पा रहे होंगे आप वहाँ पे जाने वाले, तो चलिए। सो यहाँ पे दीदी वगैरह बैठे हैं, फोन टाकू देना का धर पकड़ रहा फोन है। हाय हाय फ्रेंड्स, वो दीदी अब चल रहे हैं यहाँ पे, मामा चला रहे हैं अभी ना, और मैं पीछे बैठा हूँ और पापा पीछे बैठे हैं। ये देखिए पापा को, और ये देखिए इधर तीर है, और उस तीर के पार हम जा रहे हैं जो कि मामा हमें ले जा रहे हैं, जो कि इधर देखिए। सो ये देखिए इस तरह से पानी हिलाया जा रहा है, जो कि देखिए नाव पे छोटे से बैठे हैं। सो देखिए मामा चल रहे हैं, अभी पानी एकदम क्लियर दिख रहा है अभी। सो आपको भी दिखाता हूँ, ये देखिए पानी में डाल के पक्षी वगैरह आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अयो ये देखिए पक्षी वगैरह देख पा रहे होंगे आप, बहुत ही बढ़िया है वातावरण। तो ये देखिए सनसेट का माहौल, और ये देखिए पक्षियों का यहाँ पे, ये We'll be right back.